अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम रेसिपी जो तैयार कर रहे हैं वो है मखनी कढ़ाई, जो कि हम चिकन की तैयार कर रहे हैं। वैसे तो मीट में, बीफ में, सब में तैयार हो सकते हैं, लेकिन हमने इंग्रेडिएंट आज लिया है चिकन का। चिकन हमने लिया है क्वांटिटी में 2 kg। साथ हमने 1 कप लिया है घी डालडा का, साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। हमारी क्योंकि क्वांटिटी है 2 kg चिकन की, इसलिए हम 1/2 kg टमाटो का पेस्ट बना लेंगे, जो कि 2 कटोरी तैयार किया गया है। इसके साथ हम 1 कटोरी लेंगे दही का, 4 टेबल स्पून ऑलमोस्ट हम लेंगे क्रीम। ये गार्निश के लिए हमारे पास है चिली और धनिया, ये हमने गार्निश के लिए रखा है। ये हमारे स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस जो कि 2 टेबल स्पून सॉल्ट, जीरा हाफ टी स्पून, 2 टेबल स्पून हमारे पास होगा रेड चिली, हल्दी का हमने 2 टेबल स्पून लिया है, गरम मसाला हमने 1 टेबल स्पून, और ये धनिया है जो हमने घर तैयार किया गया है, यानी कि हमने खुद पेस्ट इसका तैयार किया है, पाउडर बनाया है, ये है हमारे पास 2 टेबल स्पून। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑन। जैसा कि आजकल गैस का बहुत मसला है और हमारी भी टाइमिंग है, लेकिन यहाँ पे 6 बजे आती है गैस हमारी। अब हम इसमें डालेंगे डालडा वनस्पति घी का 1 कप ऑलमोस्ट। बर्तन को हमेशा अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम जरा थोड़ा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब जैसा कि हमने 2-3 मिनट ना हमने ये फ्राई कर ली है, ये अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सेकंड इंग्रेडिएंट डालेंगे अपना चिकन। चिकन को अच्छे से ब्राउन कलर आने तक हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, अब ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, इसका बड़ा प्यारा सा स्किन कलर आ चुका है। अब इसमें हम थर्ड इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो वो है विनीगर। विनीगर से एक तो चिकन की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाती है, ये 2 टेबल स्पून हमने विनीगर लिया था, और ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाता है। अगर आप विनीगर लाइक नहीं करते तो आप इसमें ना लेमन जूस फ्रेश 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लाजम किया करें, इससे चिकन अच्छी तरह कुक हो जाता है और चिकन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। जी व्यूअर्स, अब फोर्थ इंग्रेडिएंट जाएंगे इसमें ऑल स्पाइसेस, जैसे कि सॉल्ट, जीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये हम ऐड कर देंगे सब इकट्ठे। स्पाइसेस ही तो मेन होता है कुकिंग का ना, स्पाइसेस से भी तो सारा टेस्ट आता है, इसलिए हम इसको जरा पहले जल्दी से जल्दी डाला करें और इसकी अच्छे से बुनाई किया करें, ताकि चिकन के अंदर तक स्पाइसेस चले जाए। जी व्यूअर्स, अब ये स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं, बीच में ऐड हो गए हैं। अब ना 5 मिनट्स के लिए हम इसका कैप रख के ना इसको स्टे देंगे, स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो कि हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। जी व्यूअर्स, अब ये ऑलमोस्ट 50% हमारा चिकन कुक हो चुका है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा वो है टमाटो पेस्ट। इसमें अभी टमाटो पेस्ट अच्छी तरह हम कुक करेंगे, ताकि इसका भी टेस्ट खत्म हो जाए। अब हम फिर से फ्लेम हमने मीडियम रखना है, कभी भी हमने बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई और बहुत ज़्यादा लो पे हांडी कुक नहीं करनी होती, हमने मीडियम फ्लेम रखना होता है।
मीडियम पे ही कुक करा करें, टेस्ट अच्छा आता है इससे। अब हम इसको फिर ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट स्टे देंगे ताकि हमारे टमाटरों का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो बाकी चिकन गलने वाला रह गया वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए। जी व्यूअर्स, अब हमारे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इसको स्टे में। अब ये ऑलमोस्ट हमारा 70 to 80% चिकन गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी दही का। ये हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनानी है क्योंकि ग्रेवी से ही तो चिकन का मज़ा है। ठीक है, हम इसको 2 to 3 मिनट ना इसको कुक करेंगे ताकि ये ग्रेवी अच्छी सी हमारी रेडी हो जाए। ठीक है, जी व्यूअर्स, ये दही का जो हमने ग्रेवी बनानी थी अच्छी तरह ना कुक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट जो कि है ग्रेवी। तीन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार शानदार सी रेसिपी तैयार होने वाली है। अब लास्ट जो कि इसमें जाएगा ये है मक्खन कढ़ाई, तो इसमें लास्ट में जाएगा मक्खन जो कि हमने फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मक्खन। फ्लेम लाइट पे ना जरा मक्खन को अच्छी तरह से ना मेल्ट करने देंगे, मेल्ट हो जाए। ठीक है, अब थोड़ी देर हम ना इसको स्टीम देंगे ताकि मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद हम करेंगे इसकी गार्निश। जी व्यूअर्स, अब ये हमारा मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट ये हमारी मज़ेदार सी शानदार सी कढ़ाई रेडी होने वाली है। अब हम इसमें करेंगे गार्निश। धनिया भी मैंने ना ग्रीन चिली क्रश की हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट फिर से हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा लो ताकि जो ऑयल है जो मक्खन इसके ऊपर आया है वो अलग हो जाए और ये ग्रेवी अलग हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हो गया, जब ये अलहदा से हो जाएगी ऑयल हमारा अलग हो जाएगा और ग्रेवी अलग, तब ये हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, ये हमारी मक्खनी कढ़ाई की है फाइनल लुक। मज़ेदार सी चटखारी सी मक्खनी कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत अच्छी यानी कि सर्व की जाती है किसी मेहमान के आगे भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।